मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान की गई है। डॉक्टर मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जेड प्लस सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। उनकी सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की टीम समेत प्रदेश की पुलिस को भी तैनात किया गया है। इससे पहले उनके बंगले की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जेड प्लस की सुरक्षा में रहेंगे। उनकी सुरक्षा का घेरा अब पहले से ज़्यादा चौक चौबंद होगा। सीएम यादव 24 घंटे जेड प्लस सुरक्षा में रहेंगे। उनकी सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की टीम समेत प्रदेश की पुलिस बल को भी तैनात किया जा चुका है। सीएम की सुरक्षा में विशेष सुरक्षा बल के जवान और राज्य पुलिस के हथियारबंद जवान भी 24 घंटे पहरे के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 14 से 18 गाड़ियों का काकरेट भी होगा। इस काफिले में एक बुलेट प्रूफ कार भी शामिल होगी जिसमें सीएम सवार रहेंगे। प्रदेश के सीएम की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं हम आपको यह भी बताते चले कि क्या होती है जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी अधिकतर केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज, मशहूर राजनेता और बड़े ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है। इसमें 36 सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। इनमें एनएसजी के कमांडोज भी शामिल रहते हैं। इन कमांडोज को अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया जाता है। इसमें 3 घेरे में सिक्योरिटी की जाती है। पहले घेरे में एनएसजी सिक्योरिटी में होते हैं, इसके बाद एसपीजी के अधिकारी तैनात होते हैं और इसके साथ ही आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी सिक्योरिटी घेरे में शामिल होते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब जेड प्लस सुरक्षा के घेरे में रहेंगे।